इंडिपेंडेंट की इस देश के सारे देशवासियों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। उसी के साथ ही आज रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन की भी शुभेच्छा आपके माध्यम से देशवासियों को देना चाहता हूँ। और इस स्वतंत्रता दिन पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर का 370 कलम रद्द किया है, उसके कारण आज देश में एक अलग आनंद का माहौल है। और आज कश्मीर के लाल चौक में झंडा लहराने का काम आज इस देश के गृहमंत्री ने किया हुआ है। हमें बहुत गर्व और अभिमान है कि हम इस देश में रहते हैं कि जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। खुशी पूरे देश में ही है। सबसे पहले तो मैं पूरे भारत के लोगों को, चंबल के लोगों को, सायन के लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षाबंधन त्यौहार भी है अपना है, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ में मुझे बोलना चाहता हूँ कि मुझे आज जो 73 वाला इंडिपेंडेंस डे मना रहे, जो ऐसा कोइंसिडेंस है कि 70 साल हो गए थे जहाँ पे 370 लगाया गया था जम्मू कश्मीर में, और हमारे सम्माननीय आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उन्होंने आज ये जो बड़ा कदम उठाया है, आज देश में कितनी चेंजेस आने वाली है इससे, जो 70 साल से नहीं हुआ है आज उन्होंने एक छोटे से टाइम में कर दिया। इसका मतलब यह है कि आज सब पॉजिटिव हो रहे हैं। आज लोगों को ये डर था कि आज मोदी जी आने के बाद में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मार्केट है, बिजनेस है, लेकिन मैं सबको इस माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि सब्र रखिए और इसके आगे जो जो होने वाला है, ये करेक्शन का मोड चालू है फिलहाल। जो जो गलतियाँ हुई है, जो जो गलत हुआ था पहले, ये सुधारने का मोड चालू है। तो लेट्स बी ऑन दिस मोड फर्स्ट एंड देन वी कैन गो ऑन द फर्दर मोड। और आगे वाला मोड, आगे वाला भारतवर्ष के जो टाइम आने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट वी विल बी द ग्लोबल पावर। मतलब मैं जी जान से अपने भारत पे प्यार करती हूँ। तो आज जो 370 जो कलम हुआ, तो हम सारे देशवासी भी एक साथ आए, तो उसका मुझे बहुत गर्व है। और मैं मोदी जी की राज में उन्होंने जो करके दिखाया उसमें बहुत प्रभावित हूँ। और मैं चाहती हूँ कि देश ऐसे ही सुजलाम सुफलम और बहुत अपनी देश पूरे वर्ल्ड में अपना नाम। मैं इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। राखी का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है। और रहा सवाल 370 रखने की बात करेंगे आप, तो ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया हुआ है। और इस निर्णय को हम पूरी तरह से हटाने का काम हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत निडरता से लिया है। इस बात का स्वागत हर जगह से, भारत के हर जगह से हुआ जा रहा है। और कश्मीर के लोगों में अलग उत्साह है और अलग आनंद है इस मामले में। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देश को आज़ादी दिलाने वाले सारे महापुरुष, स्वतंत्र सेनानी, सभी को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने हमको 1947 में आज़ादी दिलाई थी। और इसके साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आज की डेट में उस आज़ादी को सही मायने में जो आज़ाद हुआ है भारत 370 के लिए, ऐसी आज़ादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक झंडा, एक निशान, एक विधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले इस सरकार का हम पूरे देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और प्रमुख रूप से नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का कि पूरे देश को आज सही पैमाने में एक देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान है, एक झंडा है, उसके सही आज आज़ादी का ये 73 साल के बाद जो आज़ादी मिली है उसमें प्रमुख बहुत ही दिल से हमको जो लगता है कि आज ओरिजिनल आज़ादी मिली है। हमें तो बहुत खुशी है, हमें तो ये खुशी है। मैं तो सबसे पहली बात आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं बौद्धिस्ट समाज का हूँ। हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने जो 370 कलम का विरोध किया था, आज वो 370 कलम हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि जिस समाज से हम हैं, वो बाबा साहब जी का समाज है, उनके विचारधारा से चलने वाले हमारे पंतप्रधान जी हैं। इन्हीं में हमें 70 साल बाद पूरी आज़ादी मिली हुई है, इसके लिए इस बार खुशी बहुत ज़्यादा है।